दिल्ली सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में केवल उन्हीं लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी जो लेना चाहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कैबिनेट ने आज गुरुवार को एक और बड़ा अहम फैसला लिया है, वो ये कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में मेरे पास कई लोगों के सुझाव आते हैं, चिट्ठियाँ आती हैं कई लोगों से। जब मैं मिलता हूँ तो उनके सुझाव आते हैं कि सर अच्छा है कि आप हमें मुफ्त बिजली देते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग सक्षम हैं और हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते। लोग कहते हैं कि आप इस पैसे को कहीं स्कूल और अस्पताल में लगा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि इसलिए हमने तय किया है कि हम लोगों को विकल्प देंगे। हम लोगों से पूछेंगे कि क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर कोई कहेगा कि हमें चाहिए तो देंगे, और अगर किसी ने कहा कि नहीं चाहिए तो नहीं देंगे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। दिल्ली में फिलहाल हर महीने 200 यूनिट पर 100% सब्सिडी दी जाती है और इसके लगभग 30,39,766 लोग उपभोक्ता हैं। वहीं 201,400 यूनिट खपत पर 800 रुपये सब्सिडी मिलती है और इसके लगभग 16,59,976 उपभोक्ता हैं। 400 यूनिट खपत के बाद कोई सब्सिडी नहीं मिलती। अखबार के अनुसार बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिजली सब्सिडी पर सरकार का खर्च पहले साल 2015-16 से 2022-23 तक 125-26% तक बढ़ गया है। पहले साल में सरकार ने सब्सिडी के लिए कुल 1,442.76 करोड़ रुपए दिए थे, जो 2020-21 में बढ़कर 2,939.99 करोड़ रुपए हो गई है। 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी के लिए 3,250 करोड़ रुपए रखे हैं। बिजली और पानी सब्सिडी आम आदमी पार्टी के सरकार के दो बड़े चुनावी वादे रहे हैं। दिल्ली में पार्टी की जीत के पीछे ये एक बड़ा कारण माना जाता है। सत्ता में आने पर केजरीवाल सरकार ने कहा था कि वो भ्रष्टाचार को रोककर बचे हुए पैसे से ये सब्सिडी दे रहे हैं, यानी लोगों के ही पैसों को उनके पास वापस कर रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार ने भी दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल पर बनी परिसर में फेलो और डायरेक्टर कार्तिक गणेशन अखबार से कहते हैं कि सब्सिडी के सही वितरण के लिए ये एक अच्छा कदम है। खत्म हो रहे GST मुआवजे के लिए दिल्ली को तैयार रहना होगा, बल्कि सरकार को इसके आगे भी जाना पड़ सकता है। सब्सिडी चुनने देने की बजाय उपभोक्ताओं को ये साबित करने के लिए कहा जा सकता है कि उन्हें सब्सिडी क्यों चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।